हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय। आज हम आपको सीएसआईआर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो अक्सर सीएसआईआर में आते हैं। अभी जो हमारा हाल ही में एग्जाम हुआ है, उनके कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन उनका बताना है। पहले चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एक क्वेश्चन आया था सीएसआईआर में 2 मार्क में। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं पहले। इंक्रेसिव फिटनेस ऑफ एन एनिमल्स कैन बी मेजर एज द सम ऑफ द डायरेक्ट फिटनेस एंड इनडायरेक्ट फिटनेस। इमेजिंग यू हैव द 10 ऑफ स्प्रिंग्स, दो द डेलीगेंट पेरेंटल केयर, 5 सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस, यू गिव लाइफ इन ए हेरोइक डीड टू सेव द टोटल 5 ऑफ योर नीस एंड द नेफू, व्हाट इज योर इंक्लूसिव फिटनेस। इस क्वेश्चन में इंक्लूसिव फिटनेस पूछिए आपसे कि इंक्लूसिव फिटनेस क्या है। आपके पास टोटल 10 चिल्ड्रेंस हैं, 5 जिनमें आपके हैं, 5 आपके नीस या नेफ्यू हो सकते हैं। अब आपको टोटल बतानी है कि टोटल जो आपकी इंक्लूसिव फिटनेस है वो कितनी है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था दोस्तों, और इसके जो ऑप्शन थे 15, 12.5, 7.5, 3.75। ऑप्शन जो 4 है इसका, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और कैसे हैं वो आप नीचे देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव फिटनेस होती क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू हेलमिंटन रूल, डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस, इन दोनों को मिलाकर जो फिटनेस होती है टोटल, वो इंक्लूसिव फिटनेस होती है हमारी। अब डायरेक्ट फिटनेस वो होता है जो आपका रिलेशन है डायरेक्ट अपने बच्चों से है। इनडायरेक्ट जो आपकी हेल्प की वजह से दूसरे जो बच्चे हैं, जैसे आपके नीफी हुए, या तो हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फिटनेस बोलते हैं। तो चलिए देखो, डायरेक्ट फिटनेस जो हम देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू आर जो है यहाँ पे पेरेंटल ऑफस्प्रिंग है, उसका जो रिलेटेडनेस कितना है। उसके बाद हमारा इन दोनों को प्लस कर देंगे। इनडायरेक्ट में क्या है कि जो नॉन डिसेंडेंट हमारे किन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनका सर्वाइवल कितने का है और उसका जो हमारा रिलेशनशिप कितना है। अब देखो, हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या था कि 5 आपके खुद के अपने बच्चे थे, जिनका जो कोफिशियंट क्या हमारा 5 है, और जो उनका रिश्ता है आपसे वो कितना होता है अपने बच्चों से, 0.5% होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे हमारा रिश्ता होता है 0.5%, और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, नेफ्यू है, नीस है, इनसे हमारा जो रिश्ता होता है वो 0.25 होता है। ये डिपेंड करता है आपका रिश्ता कौन सा है। नीस और नीफी का जो रिश्ता होता है हमारा, जो हमारे बच्चों से हाफ होता है, हमारे बच्चों का हमारे रिश्ता कितना होता है, 0.5 होता है। यहाँ पे जो हमारे जो नीस और नीफी हैं उनका हमारा जो रिश्ता होता है वो कितना होता है, 0.25। 5 हमारे अपने बच्चे थे इस क्वेश्चन में, और 5 मतलब हमारे नीस और नीफी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो हमारा आंसर आएगा 2.5। और जो 5 हमारा नेफ्यू हैं उनको अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल हमारा इनडायरेक्ट फिटनेस आ जाएगी 1.25। अब हमारा जो टोटल इंक्रीसिव फिटनेस है वो डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस इक्वल टू इंक्रीसिव फिटनेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3.75 इसका इंक्रीसिव फिटनेस है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया है सीएसआईआर में, इन अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन देयर आर 65 इंडिविजुअल्स विद डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, 30 इंडिविजुअल्स विद हेटरोजाइगस जीनोटाइप्स एंड 15 इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलील्स, रेसेसिव बी एलील की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछिए। दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके जो ऑप्शन दिए थे 0.59, 0.27, 0.41, 0.73। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 2 है, जो हमारा 0.7 है, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसा होता है। यहाँ देखिए आप, जो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है उसके 65 इंडिविजुअल्स है। इसका मतलब 65 जो इंडिविजुअल्स है उसकी टोटल एलील कितने होंगे, 65 × 2, क्योंकि एक जीन में 2 एलील होती हैं। उसके बाद अगर हमारा जो हेटरोजाइगस जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स 30 हैं और होमोजाइगस रेसेसिव के 15 इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हुए हमारे, यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद
जीरो, मतलब 110 हमारे टोटल इंडिविजुअल्स हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हर एक टोटल एलील अगर हम निकालते हैं तो टोटल इंडिविजुअल हमारे 110 हैं और हर एक इंडिविजुअल में दो एलील्स हैं, तो टोटल हमारे जो एलील हुए दो हमारे कितने हुए, 220, क्योंकि इंडिविजुअल टोटल हमारे पास 110 थे और एक जीन में दो एलील होते हैं, या तो डोमिनेंट या फिर रेसेसिव। तो अगर हम देखें कि दो एलील, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलील जो हमारा रेसेसिव है उस एलील की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 को हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उसके पास होमोजाइगस रेसेसिव एलील है इसलिए इनको, और 30 को हमने इसलिए किया क्योंकि उनके पास में हेटरोजाइगस में एक सिंगल एलील रेसेसिव होगा। इसको हम टोटल एलील से डिवाइड करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा 0.27 आएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो 0.27 इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ जनरल इंक्रीज इन द एवरेज बॉडी मास ऑफ एनिमल पॉपुलेशन विद द स्पीसीज विद लेटिट्यूड इज नोन एज। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था CSIR ने। इस बार इन्होंने पूछा है कि जो जनरल एवरेज बॉडी मास, अगर किसी बॉडी का मास बढ़ता है लेटिट्यूड पे जाने पे तो वो कौन से रूल को फॉलो करेगा। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे, एलन रूल, बर्गमैन रूल, एले इफेक्ट और हैमिल्टन रूल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बर्गमैन रूल है, क्योंकि आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बर्गमैन रूल में क्या होता है कि बॉडी का, किसी भी एनिमल की बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे उसका लेटीट्यूड पे वो जाता है, और क्योंकि लेटीट्यूड पे जैसे आप जाते हो तो टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर जब डाउन डाउन हो जाता है तो उसकी बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक माई वीडियो, फॉर मोर वीडियोज यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।